हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का जो बच्चों हमारा टॉपिक है वो है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियो का मतलब होता है कि जो हार्ट के साथ रिलेटेड है हमारा, और वैस्कुलर का मतलब जो हमारे वेसल्स होते हैं हमारी बॉडी में, जो आर्टरीज, वेन और कैपिलरीज, ये ब्लड वेसल्स होते हैं। और हार्ट जो है ब्लड को आगे पंप करता है, और इन वेसल्स में ये कंटिन्यू मोशन में रहता है। तो ब्लड जो है हमारा एक मेन कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो कि हमारी बॉडी के सेल्स को बाहर के एटमॉस्फेयर से जोड़ने में काम करता है। ब्लड हमारे शरीर का 7% बॉडी वेट होता है। इसका एग्जांपल के लिए, अगर 70 kg का कोई पर्सन है तो उसमें जो ब्लड है वो 7% उसका बनता है 5.6 लीटर अप्रोक्स होता है, ये पाया जाता है। और एडल्ट मेल और फीमेल में जो ब्लड होता है वो दोनों में अगर हम कंपेयर करेंगे तो मेल में थोड़ा ज़्यादा होता है और फीमेल में कम होता है। इसके बाद है फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड जो है हमारी बॉडी में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि हमारी बॉडी में लंग से ऑक्सीजन को लेके जाता है टिश्यू तक, और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड को लंग्स तक पहुँचाने का काम करता है। और यह न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट्री ट्रैक्ट से टिश्यू तक ले जाने में मदद करता है। इसके अलावा जो हमारी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको हमारी बॉडी से बाहर निकालने में मदद करता है। और जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उनका जो सिक्रीशंस होता है वो टारगेट टिश्यू तक पहुँचाने में हेल्प करता है। और नेक्स्ट जो फंक्शन है वो एंटीबॉडीज़ को इन्फेक्शन तक पहुँचाने में मदद करता है, और हीट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करता है। इसके अलावा जो क्लोटिंग फैक्टर्स होते हैं उनको टारगेट तक पहुंचाने का काम करता है। तो जो जो डिफरेंट टाइप्स के जो फंक्शन होते हैं ये ब्लड के फंक्शन हैं। इसके बाद कंपोजिशन, यानी कि ब्लड में क्या क्या पाया जाता है, ब्लड में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो मेनली जो ब्लड है हमारा टू पार्ट से मिलकर बना होता है। एक को हम बोलते हैं सॉलिड पार्ट, एक को बोलते हैं हम लिक्विड पार्ट। सॉलिड पार्ट में हमारे सेल्स आते हैं, जितने भी सेल्स होते हैं, RBC, WBC, प्लेटलेट्स, ये सेल्स होते हैं। ये जो होता है हमारा सेलुलर पार्ट 45%, और जो हमारा लिक्विड पार्ट होता है उसको प्लाज्मा, उसको बोलते हैं 55%। प्लाज्मा में जो 55% होता है उसके अंदर में जो 92% होता है वो वाटर होता है, और जो 8% बचता है उसमें अदर सोल्यूट सब्सटेंस होते हैं और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, जैसे प्लाज्मा प्रोटीन्स। यानी कि जो 8% हमारा जो पार्ट है उसमें मैक्सिमम पार्ट होता है प्रोटीन्स का, प्रोटीन होती है 7%, और बाकी जो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं वो खाली 1% होते हैं। जो हमारी प्रोटीन्स होती हैं उसमें होते हैं हमारे एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, कोगुलेशन फैक्टर्स, ये सारे प्लाज्मा प्रोटीन्स में आते हैं। इसके बाद है हमारा जो है वो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं, उसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, हार्मोन्स और गैसेज होती हैं उसमें, ऑक्सीजन और CO2, ये सारे के सारे जो हैं 1% में होते हैं। और ये हमारे जो हमारा जो प्लाज्मा है उसके अंदर डिजोल्विंग फॉर्म्स में होते हैं। इसके बाद हमारे सेलुलर कंपाउंड्स आते हैं, मतलब इसमें जो हमारे सेल्स होते हैं जिसका जो रेशो होता है वो होता है 45%। इसमें हमारे आते हैं RBC, रेड ब्लड सेल्स, जिसको हम बोलते हैं अरथ्रोसाइट, अर्थ मतलब रेड, साइट मतलब सेल्स। दूसरा WBC, वाइट ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स, ल्यूक मतलब वाइट और साइट मतलब सेल्स। उसके बाद प्लेटिलेट्स, प्लेटिलेट्स जो है उसको थ्रम्बोसाइट्स, थ्रम्बो का मतलब होता है क्लोटिंग और साइट का मतलब होता है सेल्स, यानी कि जो सेल्स होते हैं वो क्लोटिंग करने में मदद करते हैं, ठीक है, वो जो हैं इन चीज़ों के लिए वहाँ पे हेल्प करते हैं। इसके बाद हम पहले पढ़ेंगे अरथ्रोसाइट्स के बारे में, यानी कि जो हमारा RBCs होता है उसके बारे में थोड़ा हम इंफॉर्मेशन देंगे कि RBCs जो हैं वो क्या होते हैं। तो RBCs जो हैं वो बाइकनकेव डिस्क का एक सेल्स होते हैं, जो कि उसमें एक जो मैच्योर RBC है उसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। मोस्टली जो इनका साइज होता है वो 7.2 माइक्रोन, 7.2 टू 7.4 माइक्रोन होता है। और ये जो एरेथ्रोसाइट्स होते हैं ये हमारी बोन मैरो में
जो उसके एंड्स होते हैं, जो रेड बोन मैरो जिसको बोलते हैं, उसमें ये बनते हैं। इनका जो लाइफ स्पैन होता है 120 डेज होता है, और जितने आरबीसी टूटते हैं उतने ही बोन मैरो आगे बनाती है। आरबीसी बनने को जो फॉर्मेशन, उसको हम एरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। और आरबीसी के बनाने के लिए जो इसमें कंटेंट होने चाहिए वो होने चाहिए, जैसे विटामिन B12 होता है, फॉलिक एसिड होता है, आयरन होता है, कोबाल्ट होता है, इन सबको मिलके जो है आरबीसी जो आप ये हमारी बॉडी में फॉर्मेशन होते हैं। इसके बाद जो अगला सेल्स है उसका नाम है ल्यूकोसाइट्स। ल्यूक मतलब होता है वाइट और साइट का मतलब होता है सेल्स। अदर्स नेम है इसका वाइट ब्लड सेल्स। यानी कि जो हमारे जो सेकंड टाइप के जो ब्लड सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म करते हैं। यानी कि हमें जो हमारी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको किल करने का काम करते हैं। ये सारे आपस में मिलते हैं जितने सेल्स होते हैं, और हमें इम्यूनिटी देते हैं। हमारी सेलुलर जो इम्यूनिटी होती है वो इन्हीं से ही बनती है। जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं ये लार्जेस्ट ब्लड सेल्स होते हैं बाकी सेल की अपेक्षा, और हमारे जो ब्लड वॉल्यूम है उसका सिर्फ 1% ये पार्ट होते हैं। और इसमें न्यूक्लियाई पाया जाता है, और कुछ इसमें साइटोप्लाज्म होते हैं, और इसमें साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो ग्रेन्यूल्स भी पाए जाते हैं। और मोस्टली ये 2 टाइप्स के होते हैं, जैसे एक ग्रैनुलोसाइट और एक एग्रैनुलोसाइट्स। ग्रैनुलोसाइट्स का मतलब होता है कि जो ये वाइट ब्लड सेल्स होते हैं इनमें छोटे छोटे जो हैं वो ग्रैन्यूल्स पाए जाते हैं, जिसमें प्रोटीन्स होती है। यानी कि ये प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। इनके जो नाम होते हैं वो स्टेनिंग के डाई के बेस पर रखे जाते हैं। यानी कि ये कौन सा कलर लेंगे, कौन सी स्टेन लेंगे, उस पर ये डिपेंड करेगा। जैसे इओसिनोफिल ये रेड कलर के दिखते हैं, बेसोफिल जो है ये ब्लू कलर के दिखते हैं, और न्यूट्रोफिल हल्का सा जो है वो पर्पलिस और ब्लूइस का मिक्सचर होता है, तो ये उस तरह का हमें दिखाई देता है। इसके बाद हम बात करेंगे न्यूट्रोफिल की। जो न्यूट्रोफिल होता है इसको हम बोलते हैं PMN। PMN का मतलब होता है पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर सेल्स। तो पॉलीमॉर्फ न्यूक्लियर सेल्स इसलिए बोलते हैं कि इसमें न्यूक्लियस जो होते हैं वो बाकी सेल से ज़्यादा होते हैं, और ये हमारी बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो प्रोवाइड कराते हैं। जितने भी फॉरेन मटेरियल्स होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं जो हमारे अंदर आते हैं, उनको किल करने में ये हेल्प करते हैं। और ये एनगल्फ के द्वारा, इनके फैगोसाइटोसिस के द्वारा ये ऑर्गेनिज्म को मारते हैं। इसमें जो न्यूक्लियस होते हैं वो 2 to 5, 4 होते हैं न्यूक्लियस इसमें, और इसका जो साइज होता है वो 10 to 12 माइक्रोमीटर होता है। इसके बाद इओसिनोफिल। इओसिनोफिल जो है वो हमारी जो बॉडी है उसको प्रोटेक्शन देता है, और हमारे जो बॉडी में कोई भी बाहर से फॉरेन मटेरियल आते हैं जैसे माइक्रोब्स होते हैं उनको रोकने में, मारने में हेल्प करता है। और इन्फेक्शन को, जहाँ पर हमारा इन्फेक्शन होता है उस एरिया की तरफ जो है अट्रैक्ट होते हैं, वहाँ जाते हैं, फिर उनको माइक्रोब को एनगल्फ करते हैं, फिर उनको किल कर देते हैं। लेकिन अगर किसी को एलर्जिक प्रॉब्लम्स होती है, उस एलर्जिक कंडीशंस में इनकी जो मात्रा है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं इओसिनोफिलिया। इओसिनोफिलिया जो है एक वो कंडीशन होती है जिसमें इओसिनोफिल की मात्रा नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है। इसके बाद जो अगला हमारा सेल है, इसमें तीसरा सेल है, ये बेसोफिल। बेसो का मतलब ये बेस जो होता है इसका वो होता है, और ये बेसोफिल जो है जो एलर्जी के दौरान हमारी बॉडी में इंक्रीज हो जाते हैं। बेसोफिल के साइटोप्लाज्मिक जो ग्रेन्यूल्स में हेपेरिन बनता है, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल एंटी कोगुलेंट्स, जो कि एक एंटी कोगुलेंट्स होता है, ब्लड को जमाने में रोकता है, उसको नहीं बनने देता है। दूसरा जो हिस्टामिन होता है, हिस्टामिन एक वो केमिकल होता है जो कि बेसोफिल के द्वारा रिलीज किया जाता है, और ये सूजन जो स्वेलिंग होती है उसको बढ़ाने में ये हेल्प करता है, यानी कि इन्फ्लामेशन करने में मदद करता है ताकि उसका पता चले यहाँ इन्फ्लामेशन है। बेसोफिल जो है उसमें एक या दो लोब्स होते हैं जो पूरी तरह क्लियर नहीं होते हैं, और ये सर्कुलेशन में नहीं दिखते हैं, और टिश्यू में ये पाए जाते हैं, जिनको हम मास्ट सेल कहते हैं।
ये हमारे ब्लड में 0 to 1% होते हैं और 8 to 10% इनका साइज होता है। इसके बाद ए ग्रैनुलोसाइट की बात करेंगे। ए ग्रैनुलोसाइट का मतलब होता है इन टाइप के सेल में जो है वो ग्रैन्यूल्स नहीं पाए जाते हैं और इनमें जो न्यूक्लियस होता है वो एक ही होता है। इसमें जो हैं हम दो तरह के सेल्स होते हैं, एक है लिम्फोसाइट और लिम्फोसाइट जो है वो लार्ज लिम्फोसाइट और स्मॉल लिम्फोसाइट, और दूसरा जो सेल है वो मोनोसाइट। मोनो का मतलब होता है वन और साइट का मतलब होता है सेल, यानी कि जिसमें एक ही न्यूक्लियस हो उसको हम बोलते हैं मोनोसाइट। अब इन दोनों सेल्स के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। पहला जो सेल है वो मोनोसाइट सेल है। मोनोसाइट जितने भी सेल्स होते हैं जो हमारे WBCs, सबसे बड़ा जो सेल होता है वो मोनोसाइट होता है, यानी कि इसका साइज जो है 16 to 22 माइक्रोमीटर होता है। और ये सेल्स जो हैं रेड बोन मैरो में बनते हैं और ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन में पाए जाते हैं और फैगोसाइटिक ये करते हैं। मोनोसाइट जो हैं हाइपोथैलेमस के द्वारा शरीर के टेम्परेचर को इनक्रीज़ करने का काम करते हैं और लीवर में ये ग्लोबुलिन्स बनाते हैं और टी लिम्फोसाइट को ये पैदा करते हैं। टी मतलब होता है थाइमस लिम्फोसाइट, उसको प्रोडक्शन करने में काम करते हैं। मोनोसाइट जब टिश्यू में चले जाते हैं तो इनको बोलते हैं मैक्रोफेज, और मैक्रोफेज जो है इन्फ्लामेशन और इम्यूनिटी में ये काम करते हैं। इनका जो शेप होता है वो होता है एक किडनी की तरह और इनके जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो होता है 2 to 8%। इसके बाद है लिम्फोसाइट्स। जो लिम्फोसाइट्स होते हैं वो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, स्मॉल लिम्फोसाइट और लार्ज लिम्फोसाइट। ये बेस है इनका मॉर्फोलॉजी का, लेकिन अगर हम इनको क्लासीफाइड करेंगे फंक्शन के हिसाब से तो दो तरह के इसमें होते हैं। एक होता है इसमें टी लिम्फोसाइट और दूसरा होता है इसमें बी लिम्फोसाइट। दो तरह के ये हमारे लिम्फोसाइट्स होते हैं। टी का मतलब थाइमस, यानी कि जो हमारी बॉडी में थाइमस के द्वारा इनका रिकॉग्नाइजेशन होता है, इनको वहाँ पे एक पहचान दी जाती है, तो उनको बोलते हैं टी लिम्फोसाइट। तो ये इनको बोलते हैं हम कि जो ये सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है हमारी में, जो एंटीजन को रिकॉग्नाइज करते हैं ये। और जो बी सेल होते हैं ये बोन मैरो में बनते हैं और फिर ये एंटीबॉडीज़ को बनाने का काम करते हैं। ये हमारी बॉडी में एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी भी हम बोलते हैं उसको करने में ये मदद करते हैं। इनका जो साइज होता है वो 12 टू 15 माइक्रोन होता है। नॉर्मल वैल्यू इनकी 20 to 40% होती है और ये जितने भी फॉरेन सब्सटेंस होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको किल करने में ये हमें हेल्प करते हैं। इसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स को हम बोलते हैं प्लेटिलेट्स। थ्रोम्बो का मतलब होता है क्लोटिंग और साइट का मतलब होता है सेल्स, यानी कि ऐसे सेल्स जो हमारी बॉडी में क्लोटिंग करने में वो हेल्प करते हैं उनको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। यानी कि प्लेटिलेट्स में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ये तीनों में सबसे छोटे सेल होते हैं, रेड बोन में बनते हैं ये और हमारी बॉडी में ब्लड को क्लोटिंग कराने में मदद करते हैं। इनसे हमारी बॉडी में होम्योस्टेसिस जो है वो आपके जो ब्लड है हमारा वो चलता रहता है एक फॉर्म में। और प्लेटलेट का जो लाइफ स्पैन है मोस्टली वो फ्यू डेज होता है, इतने दिन तक ये रहते हैं। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है कि जब ब्लड हमारा ब्लड वेसल्स के द्वारा बिना रुके हुए चलता रहता है उस प्रोसेस को हम होम्योस्टेसिस। हीमो मतलब ब्लड, स्टेसिस मतलब मेंटेन, यानी कि हमारा जो ब्लड है वो फ्लो बना रहता है और जो प्लेटलेट्स होते हैं वो बहाव को आगे चलने में मदद करते हैं। जो हमारी वेसल्स टूटती हैं, कहीं पे वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है, वैसो डायलेशन होता है, वहाँ पर हमारे जो प्लेटलेट्स होते हैं वो हमें वहाँ पे जो इंजरी होती है उनको रोकने में मदद करते हैं। प्लेटलेट जो है वो एक तरह का सीरोटोनिन रिलीज़ करता है जो कि ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्शन करने देता है और ब्लड फ्लो जो है वो कम हो जाता है। तो वो इसमें फॉर्मेशन होता है, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होता है जो कि एक प्लेटलेट्स का सब्सटेंस रिलीज करता है। वो प्लेटलेट को टूटी ब्लड वेसल्स को की तरफ वो चले जाते हैं और वहाँ पर उसको सील कर देता है और प्लेटलेट वो प्लग बन जाता है। उसके बाद वहाँ कोगुलेशन फैक्टर आते हैं, फिर वो कोगुलेशन फैक्टर अपना कैस्केड चलाते हैं, एक धागे की तरह फिब्रिन बनता है और फिर वो जो है हमारा खून बिल्कुल सीज, जो घाव है वो सीज हो जाता है, बंद हो जाता है और खून आना बंद हो जाता है हमारा। तो ये जो हमारा मेन सेल्स है उसको बोलते हैं हम क्या, जो बोलते हैं हम प्लेटलेट्स। नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें है हमारा ब्लड ग्रुप।
ब्लड ग्रुप्स का मतलब होता है कि हर एक इंडिविजुअल जो होते हैं उनके रेड सेल पर अलग अलग तरह के एंटीजन पाए जाते हैं। यह एंटीजन ही इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप होता है, यानी कि इंडिविजुअल की बॉडी के उस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाती है और एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्ट करती है तो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो जाती है। यानी कि ब्लड ग्रुप किसी का कुछ और है, दे दिया कुछ और है, तो उसको कुछ ना कुछ आगे प्रॉब्लम्स हो जाएगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, जो जिसका ग्रुप है उसको उसी ग्रुप का ब्लड दिया जाता है। यानी कि अगर इंडिविजुअल को सेम ब्लड ग्रुप हम देते हैं तो उसको एकदम वो सूट कर जाता है, उसकी जगह उसमें वो ठीक रहता है। अगर ब्लड ग्रुप हम दूसरा देंगे तो उसकी जो बॉडी है उसको वो रिजेक्ट कर देती है, उसको वो एक्सेप्ट नहीं कर पाती है वो। तो जो ब्लड ग्रुप्स में, जैसे हमारा है ए ग्रुप, ए ग्रुप का मतलब होता है कि उसके पास जो एंटीजन है वो ए है और जो उसके पास एंटीबॉडीज है वो बी है। और ऐसे ही जैसे इसका बी ग्रुप है, मतलब आरबीसी के ऊपर बी एंटीजन है और उसके बाद जो उसके पास जो एंटीबॉडी है वो बी है। ए बी वाले के पास ए दोनों एंटीजन, ए बी एंटीबॉडीज नहीं है। ओ ग्रुप वाले के पास में कोई भी एंटीजन नहीं है, उसके पास ए और बी दोनों एंटीबॉडीज़ हैं। जो हमारे ब्लड ग्रुप हैं ये मैंने आपको बता दिया कि ए एंटीजन जो होता है वो सरफेस पर होता है आरबीसी के, और बी एंटीबॉडी जो है इसके प्लाज्मा में पाया जाता है। ब्लड ग्रुप बी है उसमें बी एंटीजन होता है और जो उसके सरफेस पे, आरबीसी के सरफेस पे, और जो एंटीबॉडी होती है वो प्लाज्मा में पाई जाती है। ऐसे ही ए बी में ए एंटीजन बी एंटीजन होता है और उसमें एंटीबॉडीज नहीं होती है, और ओ ग्रुप वाले में दोनों एंटीबॉडी होती हैं, ए और बी, प्लाज्मा में एंटीजन नहीं होता है। इसके बाद हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स, जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो हमारी बॉडी में ब्लड को आगे ले जाने का काम करते हैं। यानी कि जो हार्ट है हमारा ब्लड को वो पंप करेगा और वेसल्स में ब्लड हमारा जाएगा और वो स्ट्रक्चर और साइज के हिसाब से जो आगे ब्लड हमारा चलता रहता है उसको हम बोलते हैं कि हमारा जो हार्ट और जो वेसल्स हैं दोनों आपस में मिलके काम करते हैं। तीन तरह के वेसल्स हमारे पास होते हैं मेनली, आर्टरीज और वेन्स और कैपिलरीज, ये हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं। इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। आर्टरीज का जो हमारा फ्लो होता है वो होता है हमारा हार्ट से दूर लेके जाती हैं ब्लड को, और जो आर्टरीज का साइज होता है वो बदलता रहता है, और आर्टरीज जो है वो टिश्यू की तीन लेयर से मिलके बना हुआ है। वो तीन लेयर होती हैं ट्यूनिका एडविंटा, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटीमा। जो ट्यूनिका एडविंटा होती है वो आउटर लेयर होती है हमारे जो आर्टरीज की, और वो फाइब्रस टिश्यू से मिलकर बनती है। इसके बाद है ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया जो है ये हमारी आर्टरी की बीच वाली लेयर होती है जो कि स्मूथ मसल्स और इलास्टिक टिश्यू से मिलकर बनती है। और थर्ड लेयर का जो नाम है वो है ट्यूनिका इंटीमा, यह सबसे अंदर वाली लेयर होती है और यह स्क्वामस एपिथेलियम से मिलकर बनी होती है जिसको हम एंडोथेलियम भी कहते हैं। यानी कि हमारी बॉडी में जो आर्टरीज होती हैं वो तीन उसके लेयर्स होती हैं, उनसे लेके वो बनती है। इसके बाद हम वेन्स के बारे में बात करेंगे। जो वेन्स हैं हमारी वो हमारे ब्लड को हार्ट तक वापस लेके आती है, और वेन्स के भी जो हैं वो तीन पार्ट होते हैं, यानी कि तीन से मिलके बनी हुई है। वो सेम होते हैं ट्यूनिका जो है एडविनिटा, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटीमा, ये सेम होते हैं। बट जो जो ये होती हैं ये थिनर होती हैं, ट्यूनिका मीडिया में लेस मसल्स पाई जाती हैं। वेन्स जो है वेन्स में ब्लड के बैक फ्लो को रोकने के लिए वाल्व पाए जाते हैं, वाल्व वेन्स में ज़्यादा पाए जाते हैं, और छोटी वेन्स को हम वेन्यूल्स भी कहते हैं, जो ये मतलब वहाँ पे बैक फ्लो इसमें नहीं होता है। इसके बाद डिफरेंस बिटवीन जो हमारी आर्टरी और वेन है, यानी कि हमारी आर्टरी और वेन में मेन डिफरेंस क्या है। जो आर्टरी है ये ब्लड को हार्ट से बाहर लेकर जाती है, और जो वेन्स है ब्लड को टिश्यू से ब्लड को हार्ट तक लेकर आती है। आर्टरीज की जो वाल है वो थिकर होती है, लेकिन वेन्स की जो वाल है वो थिनर होती है। आर्टरीज में प्रेशर ज़्यादा होता है, वेन में प्रेशर कम होता है। आर्टरी में बिल्कुल जिसको बोलते हैं प्योर ब्लड पाया जाता है, और पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर। वेन्स में
पाया जाता है इम्प्योर, जिसको हम बोलते हैं डिऑक्सीनेटेड ब्लड फ्लो होता है, लेकिन पल्मोनरी वेन में ऐसा नहीं होता है, उसमें दूसरे टाइप का O2 ब्लड होता है। आर्टरी में ज़्यादा मसल्स पाई जाती हैं, वेन में मसल्स कम पाई जाती हैं। आर्टरीज़ में वाल्व नहीं पाए जाते हैं और वेन में जो ब्लड को बैक फ्लो से रोकने के लिए वाल्व पाए जाते हैं। इसके बाद जो हमारा इसमें लास्ट पॉइंट है वो कैपिलरीज होती हैं। कैपिलरीज जो हैं वो आर्टियोल्स छोटी छोटी वेसल्स में बट जाता है, जिनको हम कैपिलरीज बोलते हैं। कैपिलरीज एक सिंगल लेयर की सेल से बनी होती है, जिसे एंडोथेलियल सेल कहते हैं। कैपिलरीज में से छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स पास होते हैं और कैपिलरीज छोटी छोटी वेसल्स का एक नेटवर्क बनाते हैं। इस नेटवर्क में आर्टियोल्स और वेन्यूल्स एक दूसरे से लिंक बनाते हैं और इस नेटवर्क में मटेरियल एक्सचेंज होता है। जैसे ऑक्सीजन है तो वो चला जाएगा सेल के पास और CO2 उसमें वापस आ जाएगा। तो ये जो हमारा फर्स्ट जो इसमें हमारा पार्ट था, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था, वो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का ये कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद हम सेकंड जो लेक्चर शुरू करेंगे उसमें जो हमारा मेन पार्ट है हार्ट, हम उसके बारे में आगे बताएंगे। थैंक यू बच्चों।